हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीबीआई ऑफिसर कैसे बने और इसकी तैयारी कैसे करें। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि सीबीआई ऑफिसर कैसे बने। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों, सीबीआई ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही कार्य करती है। सीबीआई जब कोई इन्वेस्टिगेशन करती है तब इसको किसी के भी आदेश की ज़रूरत नहीं होती है। इसे अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करने का पूरा हक होता है और ये केवल अपने ही स्टेट तक सीमित नहीं होती है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर यह दूसरे स्टेट में जाकर भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। दोस्तों, सीबीआई बनने के लिए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि सीबीआई की रिक्रूटमेंट क्या होती है और इसकी कौन सी एग्ज़ाम देनी होती है, सीबीआई का सिलेबस क्या होता है और सीबीआई के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो तभी आप अच्छे से सीबीआई की तैयारी कर पाएंगे। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि सीबीआई की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, सीबीआई में रिक्रूटमेंट अलग अलग पोस्ट पर दो प्रोसेस के बेस पर की जाती है। पहली प्रोसेस में ये रिक्रूटमेंट एसएससी द्वारा की जाती है और दूसरी प्रोसेस में ये रिक्रूटमेंट डिप्यूटेशन के द्वारा की जाती है। डिप्यूटेशन का मतलब है कि अगर आप केंद्र या स्टेट की पुलिस या किसी अदर सर्विस में है तो आप सीबीआई में जा सकते हो। सीबीआई में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिर्फ सब इंस्पेक्टर रैंक के लिए ही होती है और ये रिक्रूटमेंट एसएससी की सीजीएल यानी कि कंबाइंडेड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम के द्वारा कराई जाती है। आप एसएससी की सीजीएल एग्ज़ाम को देकर सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। दोस्तों, सीबीआई ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट को 55% मार्क्स के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है, यानी कि आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और आप ग्रेजुएट होने चाहिए। इसके साथ कैंडिडेट को एसएससी की सीजीएल एग्ज़ाम को पास करना भी जरूरी है और उसके बाद ही कैंडिडेट सीबीआई ऑफिसर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन करने के लिए एज जो है वो 20 साल से लेकर 30 साल की रखी गई है। इससे पहले सीबीआई की एसआई पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एज 27 ईयर्स तक रखी गई थी, अब इसे 30 साल तक कर दिया गया है और अब ओबीसी कैटेगरी के लिए सब इंस्पेक्टर के लिए सीबीआई में जाने के लिए आयु 33 वर्ष की रखी गई है, जबकि एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए ये 35 वर्ष रखा गया है। तो दोस्तों, ये हो गई कुछ रिक्वायरमेंट जो कि आपको चाहिए होगी। और अब जानते हैं कि सीबीआई के एग्ज़ाम होते हैं उसका सिलेबस क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको सिलेबस नहीं पता तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो अगर आप सीबीआई की एग्ज़ाम देना चाहते हो, जो कि एसएससी की एग्ज़ाम होती है, उसका सिलेबस जो होता है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसके बाद जनरल अवेयरनेस के बारे में आपसे पूछा जाता है, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश के आपको सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इन सब की आप तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। और अब हम जान लेते हैं कि सीबीआई के एग्ज़ाम पैटर्न क्या होते हैं। तो दोस्तों, सीबीआई में ऑफिसर या फिर सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको एसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली सीजीएल की एग्ज़ाम को पास करना होगा। दोस्तों, सीजीएल की ये एग्ज़ाम 4 स्टेप में होती है। इन सभी स्टेप में सफल होने के बाद ही आप सीबीआई के सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, पहले स्टेप की अगर बात करें तो जिसे कहा जाता है टायर 1 एग्ज़ाम। तो दोस्तों, टायर 1 में आपको 200 मार्क्स के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय भी दिया जाएगा। उसके बाद टायर 2 की एग्ज़ाम आएगी तो इसमें आपको 400 मार्क्स के 2 पेपर्स देने होते हैं और हर पेपर के लिए आपको 2-2 घंटे का समय भी मिलता है। पहले पेपर में 200 मार्क्स के क्वांटिटेटिव एलिजिबिलिटी के 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और दूसरे पेपर में इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाते हैं। तो ये हो गया टायर 2। उसके बाद आता है टायर 3। तो दोस्तों, इसमें मेल कैंडिडेट का पर्सनालिटी टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद आप आएंगे टायर 4 में। तो इस स्टेप में कैंडिडेट का कंप्यूटर प्रोसिफेंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है और इन 4 स्टेप को पूरा करने के बाद आप सीबीआई के सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए ज्वाइन कर सकोगे।
दोस्तों अब जानते हैं कि सीबीआई ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों सीबीआई ऑफिसर या फिर सब इंस्पेक्टर की ग्रॉस सैलरी अंदाजन 70,000 रुपये तक की होती है और सीबीआई सब इंस्पेक्टर की टोटल इन हैंड सैलरी अंदाजन 66,000 रुपये तक की होती है, यानी कि 66,000 रुपये तक की सैलरी होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने सीखा कि सीबीआई ऑफिसर कैसे बने और इसकी तैयारी कैसे करें। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न पूछने के लिए नीचे कमेंट करें।